मनीष दीक्षित नाम है मेरा, आप देख रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 18। तो देखिए सॉल्व करना है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इक्वल टू लगा होता है, ऐसे रेशनल नंबर्स होते हैं तो आप इक्वल टू इंटू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 8 इंटू एक्स प्लस 1 और इधर क्या कर देंगे 3 इंटू 2 एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर इस तरीके से 8 का ब्रैकेट में 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 6x प्लस 9, 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 3 9, 8x माइनस 6x हो जाएगा तो 2x आएगा। इधर ले आएंगे अपन, स्टेप एक बार और लिख देता हूँ मैं, एक और स्टेप 8x माइनस 6x और 9 माइनस 8, तो इधर क्या आ जाएगा 9 माइनस 8 होगा, 2x इक्वल्स टू क्या आएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इज द आंसर। क्लियर है? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इस तरीके से क्वेश्चन 18 सॉल्व कर दिया एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ, प्रेजेंट इजेस। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजेस के करा दिए हैं, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनु एन राज। क्लियर? रेशियो क्या है 4:5। क्लियर? तो प्रेजेंट इजेस लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे ही लिखना है, मतलब एक तरह यू हैव टू फॉलो दिस मैनर ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द गिवन पर्सन एंड हियर यू हैव टू राइट द प्रेजेंट इजेस। द रेशियो इज 4:5। वैन एवर यू रिमूव रेशियो इज टू साइन इन दिस मैथ, यू पुट एक्स इन प्लेस ऑफ इट एंड डेट इज द वैल्यू 4x एंड 5x। क्लियर? प्रेजेंट इजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 8 ईयर्स मीन्स आफ्टर 8 ईयर्स। क्लियर? That is 4x plus 8 and this is 5x plus 8. And their ages will be in 5:6. And what does it mean? The ratio of 4x plus 8 according to the question, 4x plus 8 upon 5x plus 8, its ratio is in the ratio 5:6. Cross multiplying, then it is 6 into 4x plus 8 equals to 5 into 5x plus 8, 6 into 4x plus 8, this is 24x and this is 48, 25x and this is 40, 24x x equals to minus x, 24x minus 25x equals to minus 8, 40 minus 48 minus 8, minus x equals to minus 8, the value of x is 8. Clear? Age can't be negative. Clear? So x equals to 8. So what does it mean? You put x here, Anu and Rajesh will be 4 into x, 4 into 10, 4 into 8, 32 and 5 into 8, 40. 32 and 40 will be the ages of Anu and Raj. Clear? Let us repeat this question again. Let me repeat this question again. The ratio is given, Anu and Raj. First of all, you write the name, Anu and Raj. Present ages is 2, ratio is there. You remove whenever in mass, you remove is 2 sign, you put a x from your side. 4x and 5x, after 8 years, 4x plus 8 and this is 5x plus 8. According to the question, this ratio will become 5:6 and equate this 5:6. By cross multiplying, you will be having 24x plus 48 equals to 25x plus 40. 24x minus 25x equals to 40 minus 40 is equals to minus 8. Minus x equals to 8 and x equals to 8. Put this value of x in this 4 into 8, 32 and 5 into 8 equals to 5 into 8 is 40. This will be the ages, their present ages. Clear?